वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग कार्स इन इंडिया जिनका इंडियन मार्केट में काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। सो मेरी ये वीडियो बिना स्किप करे हुए देखना ताकि आप कोई भी गाड़ी के बारे में कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाएँ। पर उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर एकदम न्यू हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ऐसे ही कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाई राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। हमारी लिस्ट में हमारी पहली गाड़ी है महिंद्रा XUV 300 फेस लिफ्ट। जल्द इस गाड़ी का एक फेस लिफ्ट लॉन्च होने जा रहा है। इस गाड़ी में अब आपको फ्रंट से कुछ ऐसी लुक्स देखने को मिलेगी विद न्यू टाइप ऑफ फुल LED हेडलैम्प्स, जो कि XUV 700 से थोड़े बहुत इंस्पायर्ड होंगे विद फ्रंट कैमरा, मॉडिफाइड ग्रिल एंड बम्पर। साइड लुक में आपको मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बस आपको न्यू स्टाइल के डायमंड कट अलॉय व्हील्स एंड ओवरव्यूम के नीचे कैमरा। बाकी रियर प्रोफाइल में आपको फुल LED कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। एंड छत पे ये भी कहा जा रहा है कि इस गाड़ी में आपको फुल पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाएगा। पर आगे देखते हैं क्या होगा। इंटीरियर वाइज इस गाड़ी का इंटीरियर कुछ ऐसा होगा, आपको अपडेटेड इंटीरियर देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिज़ाइन चेंज होने वाला है विद न्यू बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम अबाउट 10 इंचेस, उसके साथ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बाकी आपको AC कंट्रोल्स पुराने जैसे ही देखने को मिलेंगे विद रियर AC वेंट्स। सेफ्टी वाइज आपको इस गाड़ी में मल्टीपल एयरबैग्स के साथ ABS/ABD, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टैप एशन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। पर ADAS अभी तक कन्फर्म नहीं है, अगर आएगा भी तो Level 1 का ADAS आपको XUV 300 में देखने को मिल जाएगा। बाकी इंजन ऑप्शंस में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, आपको वही 1.2 लीटर का पेट्रोल एंड एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन फर्दर कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, ये गाड़ी 2024 के स्टार्टिंग में ही यानी कि जनवरी में ही इंडिया में 100% लॉन्च हो जाएगी। हमारी लिस्ट में हमारी सेकेंड गाड़ी भी महिंद्रा की तरफ से है, जिसका नाम है महिंद्रा बुलेरो नियो प्लस। ये बेसिकली बुलेरो नियो का एक एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट लुक से कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, पर साइड लुक की बात करें साइड में इस गाड़ी में आपको 9 सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी यानी कि 9 पर्संस, जिससे कि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड होने वाली है। ये अबाउट 4.3 मीटर्स लेंथ होगी इस गाड़ी की। बाकी आपको मॉडिफाइड अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड रियर प्रोफाइल में भी आपको टोटली न्यू लुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी इंटीरियर वाइज इस गाड़ी का इंटीरियर आपको बुलेरो नियो जैसा ही देखने को मिलेगा, पर सिटिंग लेआउट काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। आप इसकी थर्ड रो में मजे से 4 बंदे बिठा पाएंगे। इंजन ऑप्शंस में आपको इस गाड़ी में 1.5 लीटर की जगह अब 2.2 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी पावर होगी अबाउट 120 BHP। एंड इस गाड़ी में आपको शायद सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया जाए, ऑटोमेटिक नहीं देखने को मिले। अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, ये गाड़ी बेसिकली 2024 के मिड या उससे पहले इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। हमारी लिस्ट में हमारी थर्ड गाड़ी किया की एक अपकमिंग MPV है, जिसका नाम है किया करेंज फेसलिफ्ट। जल्द करेंज का फेसलिफ्ट आ जाएगा, जिसपे आपको बाहर से माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस जैसे कि न्यू टाइप ऑफ फुल LED हेडलैम्प्स, न्यू अलॉय व्हील्स एंड न्यू टाइप ऑफ कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। एंड छत पे आपको इस बार फुल पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंटीरियर वाइज अब आपको करेंज में थोड़ा बहुत इंटीरियर देखने को मिलेगा, जैसे आपको किया सेल्टोस में प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि एक ही स्क्रीन जिसमें फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक AC, रियर AC वेंट्स। बाकी आपको फीचर्स पहले भी किया करेंज में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते थे। सेफ्टी वाइज आपको इस गाड़ी में मल्टीपल एयरबैग्स के साथ इस बार Level 2 के ADAS के फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सेम एज सेल्टोस 2023। इंजन ऑप्शंस में आपको इस गाड़ी में 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल एंड एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि इंजन ऑप्शंस में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, ये गाड़ी बेसिकली मिड ऑफ 2024 तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। हमारी लिस्ट में हमारी फोर्थ गाड़ी है Hyundai Creta फेसलिफ्ट। जल्द Hyundai Creta का एक फेसलिफ्ट लॉन्च होने जा रहा है। इस गाड़ी में आपको बाहर से इस बार फ्रंट से टोटली न्यू लुक प्रोवाइड की जाएगी, कुछ ऐसी जिसमें आपको मॉडिफाइड ग्रिल काफ़ी बड़ी होने वाली है विद फ्रंट कैमरा, फुल LED हेडलैम्प्स, यानी कि फ्रंट से एकदम टोटली न्यू लुक। साइड में आपको इस गाड़ी में न्यू स्टाइल के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी आपको ओवरव्यूम के नीचे कैमरा मिल जाएगा एंड रियर प्रोफाइल में अब आपको Creta में कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे विद सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स, यानी कि फुल LED, मतलब कि फ्रंट एंड बैक से टोटली न्यू लुक कैरी करेगी Hyundai Creta 2024। बाकी आपको छत पे फुल पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंटीरियर वाइज इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी बढ़िया होने वाला है। इस बार आपको
टोटली न्यू इंटीरियर प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि इस गाड़ी में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी, रियर एसी वेंट्स, मतलब कि जो फीचर्स मिसिंग थे अब आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी सेफ्टी वाइज इस गाड़ी में आपको मल्टीपल एयरबैग्स के साथ लेवल 2 के एडास के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, सेम एज वरना 2023। इंजन ऑप्शंस में आपको इस गाड़ी में 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी डीजल इंजन की मैं यहाँ कंफर्मेशन नहीं ले सकता क्योंकि 2023 वरना में भी अब आपको डीजल इंजन नहीं देखने को मिलता। अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, ये गाड़ी 2024 के स्टार्टिंग यानी कि मार्च तक इंडिया में 100% लॉन्च हो जाएगी। हमारी लिस्ट में हमारी लास्ट एंड फाइनल गाड़ी है यानी कि फिफ्थ गाड़ी, महिंद्रा की सबसे फेमस एसयूवी जिसका नाम है थार। जल्द नॉर्मल थार का एक 5-डोर वर्जन लॉन्च होने जा रहा है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट से कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, पर साइड लुक में आपको इस गाड़ी में 2 डोर्स मिल जाएंगे विद एक्सटेंडेड लेंथ। बाकी आपको रियर प्रोफाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। रूफ में आपको इस बार थार 5-डोर में छोटा सा सनरूफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंटीरियर वाइज आपको बिल्कुल सेम डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा और इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी इस बार आपको 5 पर्सन्स की देखने को मिल जाएगी। बाकी इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा बूट स्पेस भी देखने को मिल जाएगा विद कंफर्टेबल बैक सीट। सेफ्टी वाइज इस बार कहा जा रहा है कि आपको थार 5-डोर में इस बार 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होंगे, चाहे आप बेस वेरिएंट लीजिए या फिर टॉप मॉडल। बाकी आपको अडास जैसा फीचर नहीं देखने को मिलेगा। इंजन ऑप्शंस में इस गाड़ी में आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन और एक 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद 4x4 ऑप्शंस, यानी कि इस गाड़ी में आपको फुल फ्लेज इंजन प्रोवाइड किया जाएगा जैसे आपको नॉर्मल थार में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इस गाड़ी के लॉन्च डेट की, ये गाड़ी बेसिकली 2024 के स्टार्टिंग यानी कि जैन से मार्च के बीच में 100% लॉन्च हो जाएगी और आप इसको फर्दर मॉडिफाइड भी करवा सकते हैं अगर आप इसको जीप व्रेंगलर वाली लुक देना चाहते हैं। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल अबाउट अपकमिंग टॉप 5 कार्स इन इंडिया जिनका इंडियन मार्केट में काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है एंड कुछ गाड़ियां जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी यानी कि स्टार्ट ऑफ 2024 में एंड कुछ एंडिंग या फिर मिड तक 100% इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या पसंद आई हो, आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे काफोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो इस वीडियो को इतने रखते हैं, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।